तो दोस्तों वेलकम है आप अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी पे। जैसा कि हम कर रहे हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 उसका लेक्चर 3 है। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं एक्सरसाइज 3.1 को, आज हम उसको कवर करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस यानी वर्ड्स प्रॉब्लम को हम करेंगे। बेसिकली आपको पहले से पता है कि जो चैप्टर था 3.1 इसमें हमने बेसिकली कन्वर्ट क्या करना सीखा है, रेडियन को डी एंगल मेजरमेंट में, एंगल मेजरमेंट को रेडियन में। तो अभी तक तो नॉर्मल डायरेक्ट वैल्यू दे रखी रहती तो आपको आसान होता था, अब वर्ड्स प्रॉब्लम में आ गया तो आपको दिक्कत हो रहा है। यानी कहने का मेरा ये सेंस है कि ये भी बेसिकली रेडियन टू एंगल मेजरमेंट और एंगल मेजरमेंट टू रेडियन है, बस वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है। समझिएगा जरा पे दे रखा है कि बताइए एक व्हील है 360 रिवॉल्यूशन करता है एक मिनट के अंदर करता है, तो बताइए कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकंड, इट्स इन 1 सेकंड में कितना रेडियन कन्वर्ट होगा। तो देखिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय मेड बाय व्हील मेड बाय व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट जिसे आप कह सकते हैं 60 सेकंड में आ रहा 360 रिवॉल्यूशन है ये। तो ये बताइए अगर मैं सिंपल बोलूं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 सेकंड तो आप क्या करेंगे 360 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो आपको आ गया कितना 6 रिवॉल्यूशन आया। और मुझे ये बताइए अगर आपसे कहा जाए 360 यानी एक चक्कर जब पूरा लगाता है वो 360 डिग्री बनाता है तो उसको अगर रेडियन में बदलो तो कितना हुआ 2π। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि वन रिवॉल्यूशन को अगर एंगल की बात की जाए रेडियन में तो कितना होता है 2π रेडियन होता है कि एंगल में, तब आपसे पूछ रहा है कि एक रिवॉल्यूशन के लिए 2π है तो 6 रिवॉल्यूशन के लिए कितना चाहिए। सिंपल सी बात है, 1 रिवॉल्यूशन के लिए 2π एंगल बनाएगा ना, क्योंकि किसी भी पॉइंट अराउंड एक चक्कर घूमता है तो 2π रेडियन एंगल बनाता है। तो आपके पास ये पता लग गया कि 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन निकालता है 6, तो आप लिखेंगे फॉर 6 रिवॉल्यूशन इक्वल 6 मल्टीप्लाई 2π, तो क्या हो गया आपका 12π रेडियन आपका बनाएगा। नहीं समझना है तो अगेन समझ लो बेटे, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में जाएगा 360 डिवाइड बाय 6 रिवॉल्यूशन। अब आप मुझे बताओ एक चक्कर कोई भी साइक्लिक पूरा करता कितना रेडियन बनाता है 2π, तो सिंपल सी बात है 6 चक्कर के लिए कितना करेगा 6 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 12π दैट विल बी इन रेडियन वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट अब हम करते हैं इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 द लेंथ ऑफ कोर, ये बताइए डायमीटर दिया है 40 तो सिंपल सी बात है बच्चे अगर ये सेंटीमीटर है तो रेडियस यहां से कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगर मैं सर्कल बनाऊं और कोड की लेंथ दे रखी है, अगर मैं आपका सर्कल ड्रॉ करूं और ये सेंटर लेता हूं तो ये आपकी कोड हो गई जिसकी लेंथ दे रखी है 20 और यहां से रेडियस और ये रेडियस, रेडियस की वैल्यू आपने 20 निकाल ली, यहां हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, इसे लेते ओ ए बी और जो ए बी है आपका कोड है और इसकी लेंथ क्या है आपके पास जो है 20। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर, तो मुझे बताएं आर तो यही होगा क्योंकि पहले लेक्चर में 1 में मैंने बता दिया ये आर है, तो आपने एंगल और यहां एंगल क्या बन जाएगा थीटा बनेगा यू नो। तो आप क्या जानते हैं कि एंगल थीटा इक्वल लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस, ये है लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस। अब आपके पास क्या वैल्यू थीटा तो है नहीं, आपके पास क्या रेडियस और लेंथ ऑफ आर, तो थीटा इक्वल कितना आया लेंथ ऑफ आर्क हुआ 20, कोड भी कितना हुआ आपका कोड भी आपका 20 हुआ 40 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कोड इसका 20 सेंटीमीटर। ठीक है ये तो कोड की लेंथ है ना, आर्क की लेंथ नहीं पता हमें, हमें तो आर्क की लेंथ चाहिए तो हम क्या करेंगे देखिए थीटा भी पता है कि नहीं in a circle of diameter 40 cm the length of chord is 20 यानी ये आपको दिया है यहां 20। ठीक है chord की लेंथ मतलब ये दे रखा है 20, हमें r की लेंथ चाहिए। तो एक काम करते हैं कि आपका तीनों साइड इक्वल है, अगर ये तीनों साइड इक्वल हुए तो क्या हुआ ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ और इक्विलैटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कितने हो जाएंगे 60 60, तो अगर देखा जाए तो यहां पे क्या हुआ ये आपका बन गया 60
60 मतलब कितना पाई बाई आपका आ जाएगा 3, ठीक है। और ये क्या हुआ आपका लेंथ ऑफ आर्क, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, लेंथ ऑफ आर्क, और अगर लेंथ ऑफ आर्क देखा जाए तो थीटा मल्टीप्लाई रेडियस। अब इसकी वैल्यू मैंने बता दी आपको पाई बाई 3, और रेडियस की वैल्यू कितनी 20, तो बन गया 20/3 पाई। ये लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क आ गया, यानी ये जो लेंथ है इसकी आ गया। लेकिन साथ ही साथ ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, क्लियर। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का है, ठीक है। कह रहा है कि इन एनी टू सर्कल्स, यानी कंडीशन है किसी दो सर्कल को, तो आप लीजिए सर्कल 1 और एक सर्कल 2, इन दो सर्कल में कह रहा है एंगल सबटेंड एट द सेंटर, सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, यहां से आप ले लेते हैं इनके सेंटर पर 60 डिग्री, और एक और यहां पर है, यहां पर आप एंगल ले लेते हैं 75 डिग्री। लेकिन कंडीशन है इस आर्क ऑफ द लेंथ सेम है, मींस कहने का है कि यहां से यहां तक की जो वैल्यू है और ये जो दूसरी वैल्यू है आपकी यहां से यहां तक, ये दोनों का क्या है आपस में, लेंथ ऑफ आर्क सेम है। अगर मैं इनका नाम दे दूं, यहां पे नाम दे देता हूं ए बी, ओ ए बी, और यहां नाम देता हूं ओ ओ डैश पी क्यू, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कंडीशन ए बी एंड पी क्यू आर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ओके। और ये आपस में क्या गिवन है, गिवन क्या है कि पी क्यू इक्वल ए बी, आपस में इनकी लेंथ इक्वल है, जिससे हम अगर एक्स मान लें कोई दिक्कत, मान लिया जी। अब अगर मुझे कहा जाए इनके रेडियाई, तो मान लेते हैं इसका रेडियाई आर वन है, इसका रेडियाई क्या है आर टू, तो आप बताइए इस सर्कल वन के लिए, सर्कल वन और सर्कल टू, तो सर्कल वन के लिए जो थीटा का रिलेशन होगा, यहाँ थीटा मान ले लो थीटा, अच्छा एक चीज और है, ये जो आपका थीटा है ये 60 डिग्री है, अगर हम 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 60 मल्टीप्लाई जो है पाई अपॉन 180, तो आएगा कितना पाई बाई 3, क्लियर हो गया। इसी तरह आपका 75 डिग्री है, इसको हम रेडियन में बदले 75 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, कट कर दीजिए 15 5 जा, नहीं कटेगा ऐसा करते हो जाएगा 15 5 जा 15 2 जा 30 और 15 1 जा 53, 15 2 जा ये बनेगा, जो कि बनेगा 5 पाई बाई 12 की वैल्यू। तो देखिए जरा, अगर मैं सर्कल वन को लेता हूँ दोस्त, तो सर्कल में होता है थीटा अपॉन लेंथ अपॉन आर्क अपॉन रेडियस, तो लेंथ को क्या मान लिया हमने एक्स, एक्स अपॉन रेडियस आर वन। अब थीटा की वैल्यू रेडियन पे रखी जाए तो कितनी रखेंगे पाई बाई 3, यहां से आ गया एक्स अपॉन आर वन। यहां नोटिस करिए, अगर मैं थीटा टू ले लेता हूँ, क्योंकि थीटा अलग अलग है, थीटा टू इक्वल टू लेंथ सेम रहेंगे तो रेडियस क्या रख दो आर, और इसकी वैल्यू आपने क्या मान ली एक्स। थीटा टू की वैल्यू अगर आप 75 को चेंज करें तो कितना आता 5 बाई 12, और यहां आता है एक्स अपॉन आर टू, क्लियर। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, देखिए पाई बाय 3 ऐसा करता है, इसको देखो, इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स अपॉन आर टू डिवाइड एक्स अपॉन आर वन, और यहां देखिए एक्स अपॉन आर टू की वैल्यू कितनी है इक्वल में आरएचएस में 5 बाई 12, तो यहां क्या है दोस्त पाई बाई 3। अब इसको भी रेसिप्रोकल कर लीजिए, इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहां जब रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स अपॉन आर टू, और ये आर वन ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा एक्स, और यहां देखिए 5 पाई बाई 12, और ये हो जाएगा 3 अपॉन पाई। अब यहां से वैल्यू कैंसिल आउट हो रही, क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो आपको यहां जो वैल्यू मिल रही बेसिकली वो क्या मिल रही है आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 4 जा, तो बेसिकली 5 अपॉन 4, या आप कह सकते हो 5:4।
तो आपका आसानी से इनके दोनों सर्कल के रेडियाई का एक रेशियो मिल गया, जो कि आपको कह रहा था कि रेडियाई का रेशियो बताओ कितना होगा। तो के इस तरीके से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं कुछ नया। तो दोस्तों अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी। कह रहा है कि पेंडुलम बेसिकली अगर क्लॉक देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पेंडुलम आपका रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो कह रहा है जब ये इसकी लेंथ ऑफ आर्क जो होगी, अगर हम बना लें यहाँ पर, तो यहाँ सेंटर से इसकी जो लेंथ होगी वो होगी आपकी पेंडुलम की 75 सेंटीमीटर। यहाँ से ऐसे मान लीजिए सेंटर से कुछ इस तरीके से वो ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका एंगल बनेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इसका एक और चीज़ है कि आपका फाइंड द एंगल ऑफ एंगल इन रेडियन व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इट्स लेंथ 75 एंड इट डिस्क्राइब्स आर्क लेंथ कितना ले लिया जाए। पहले केस में यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी ले लिया जाए, 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल पहली कंडीशन को अगर देखा जाए तो एंगल इक्वल होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क कितना 10 और रेडियस कितना 75। जब आप लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस निकालते हैं ना, ये जो वैल्यू आती ऑलवेज ऑलवेज इन रेडियन पहले से ही रहता है, ऑलवेज इन रेडियन। इस चीज को ध्यान रखना, इन रेडियन में रहता है पहले से ही। ये मैंने पहले फर्स्ट क्लास में बता दिया लेक्चर 1 में। तो 5 से कर दीजिए, 5 टू जा 10, 5 से कर देंगे 15, तो 2 बाई 15 इतना रेडियन आपकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली दूसरे केस के लिए अगर आप देखें, तो दूसरे केस में आप ये देखेंगे थीटा इक्वल लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस लेंथ ऑफ आर्क 15 दे रखा है और रेडियस कितना दे रखा है 17, तो 1 बाई 5 आपका आ गया थर्ड। आप कर सकते हैं, तो इस तरीके से आसानी से आप कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड डे, मेहनत करते रहिए।